भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने केंद्र सरकार के द्वारा रक्षा मामलों के प्रत्यक्ष निवेश के विरोध के साथ प्राकृतिक संसाधनों को बेचने के लिए काम किए जाने पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि हिमाचल में क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधाओं का अभाव है और सरकार से मांग की है कि प्रदेश में सभी परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाए। अनिल मनकोटिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि होटल व्यवसायियों के साथ ढाबा मालिकों की भी सरकार चिंता करे, क्योंकि ये वर्ग पिछले दो महीनों से बिल्कुल ही बेकार बैठा हुआ है। सरकार इनके लिए विशेष राहत पैकेज का प्रबंध करे, साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण के निर्णय को भी जल्द वापस लिया जाए। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो है जो केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मामलों में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध में उसके साथ साथ जितने भी जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको जो मोदी सरकार लगातार बेचने का जो काम कर रही है, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए हैं, जो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर जो बने हैं उसके अंदर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमने प्रदर्शन किया, और हमीरपुर के अंदर भी इन सारी मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी परिवारों को जो है मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाए, और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा पर्यटन उद्योग है उसके लिए भी प्रदेश सरकार जो है कोई ना कोई राहत पैकेज लेकर जाए। आप जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश के अंदर सभी लोगों के जो है व्यवसायियों के छोटे से लेकर बड़े जितने भी जो काम धंधे हैं वो बंद पड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमारे जो ढाबा मालिक हैं, रेस्टोरेंट मालिक हैं, हमारे छोटे गेस्ट हाउस मालिक हैं, हमारे होटल व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं उनको हम देखते हैं कि लगातार ये पूरा उद्योग जो है वो पूरी तरह ठप पड़ चुका है कोरोना महामारी के चलते। इसलिए हम भारतीय जनवादी नौजवान सभा की तरफ से मांग करते हैं कि इन वर्गों का भी जो ध्यान रखते हुए उनके लिए एक विशेष राहत पैकेज जो है वो लाया जाए, और उसके साथ साथ जो निजी खदानों का जो निजीकरण जो माइनिंग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है जो सरकार जा रही है उसको भी जो है जल्द से जल्द उस डिसीजन को केंद्र सरकार वापस ले।